अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए CSC के माध्यम से एक और नई सर्विस निकल के आई है। आज उसी के बारे में बताने वाले हैं, सरकारी सर्विस है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे हम आ चुके हैं, जहाँ बताया गया है CSC EGOV की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, ग्रेट न्यूज, MOU साइन विथ प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन PCDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिलीवरी ऑफ डिफेंस पेंशन सर्विस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे हम इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। इस पोस्ट में सारी जानकारी दी गई है कि आपको कौन कौन सा काम मिलने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आए दिन जो CSC के अंदर नई नई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि सरकारी काम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है MOU यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हो चुका है, और यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स दी गई है जो कि हम जूम करके आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप जो अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पेंशनर जो होते हैं उनका डाटा वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सर्विस रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ से उनका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट क्वारी, अगर कोई भी पेंशनर को कोई दिक्कत आती है तो आप जो है उसके रिगार्डिंग जो है आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ID के माध्यम से आप जो है इसके बारे में अधिक से अधिक उसको जानकारी दे सकते हैं और उसकी कंप्लेंट वगैरह भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है एनुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू डिजिटल और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब कि अब आप जो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अगर उसको इमरजेंसी में कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जो है मैनुअल उसको जो है लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। देन यहाँ पे बताया गया है रिक्वेस्ट फॉर इनिटाइजेशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑन नेमिस ऑफ पेंशनर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो उसके फैमिली के मेंबर का भी जो है आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं पेंशन के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्विसेज जो है जैसे धीरे धीरे निकल के आ रही है। तो अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और CSC ID वगैरह चलाते हैं और आप आप जो है मात्र CSC से ही काम करके अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो CSC में कुछ मुख्य मुख्य सर्विसेज हैं, मेन मेन सर्विसेज है, अगर आप उसमें अच्छे से वर्क कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 30 से 35 हज़ार महीने हर महीने अर्निंग कर सकते हैं। हालाँकि अगर आपको यकीन नहीं होता तो लाइव प्रूफ में आज से 2 महीने बाद आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग जो अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है अच्छे से काम करके आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिए और हाँ इस वीडियो को ही साथ करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।